बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के बारे में, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मैंने फर्स्ट पेपर पहले से अपलोड कर रखा है 2023 के इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर के लिए। मैंने कहा कि 12 से 15 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं। मैं आपसे बात करता हूं कि इन क्वेश्चनों को याद करने के बाद में आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। मैं और एक बात और आपसे बोल दूं कि आपको कॉपी को पूरा भर के आना है, खाली नहीं छोड़नी है, याद रखना। यदि आप खाली छोड़ दोगे अपनी बुक को, तो समझ लो कॉपी को, तो आपको फेल कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। वो जब कॉपी चेक करता है तो उसमें ये देखता है कि भाई इस बंदे ने, भले ही आपने कॉपी पूरी भरी हुई है, तो भले ही वो जहां 4 नंबर देने का है वहां 2 नंबर दे, लेकिन देगा जरूर, ठीक है ना। कॉपी भर के आइएगा, मैं आपसे बोलूंगा कॉपी भर के आइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा कि सर ऐसा मेरा पेपर गया है तो क्या हो सकता है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल इसके गाइड करूंगा कि भाई ये पास हो सकते हो नहीं हो सकते हो, 2 तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए। सबसे पहले तो आप चाहते हैं कि इनके एमसीक्यू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ऐसा साथ ही साथ आपके रिटर्न के साथ में भी 5 या 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। जैसे कि एमजेपी एलोफेंट यूनिवर्सिटी वैरायटी ऐसी है जिसमें एमसीक्यू और रिटर्न दोनों होता है एक साथ में। तो मैं कहना चाहूंगा कि एमसीक्यू वाले स्टूडेंट जो एमजेपी स्टूडेंट है और एमसीक्यू जिसके पेपर आ रहे हैं, तो वो क्या करे, और रिटर्न दोनों पेपर आ रहे हैं, मैंने पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे रखी है, फ्री में, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना, या फिर मैंने एप्लीकेशन एक बना के डाल रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस एप्लीकेशन डाउनलोड वाले पे टच करना है और डाउनलोड हो जाएगी आपके फोन में, फिर आप जब चाहो उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। 3 मैंने एप्लीकेशन यहाँ बनाई है, एक तो एक प्लेलिस्ट की है, जैसे कि आप मान लो ये सेकंड पेपर है और आप फर्स्ट पेपर देखना चाहते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, वीडियो बहुत सारी पड़ी होती हैं तो कहाँ कहाँ देखेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल पाता आपको, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे आप प्लेलिस्ट, हमारे एक एप्लीकेशन और है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप पेपर हैकर डॉट इन सर्च करना गूगल पर जाकर के, तो आपको वहां भी प्लेलिस्ट सारी मिल जाएंगी, जिस क्लास की चाहते हैं उस क्लास की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फिर आपको कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ उस मैंने प्लेलिस्ट जो एप्लीकेशन, जो हमारी वेबसाइट है उसकी एक एप्लीकेशन ही बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, तो तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, एक पेपर हैकर डॉट इन का, एक पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन का, फ्री नोट्स वाले का, एप्लीकेशन वाले का, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट वाले का, और जो मैंने एक एमजेपी आयु लोखंड यूनिवर्सिटी के लिए ऑफिशियल एक वेबसाइट बनाई है, कह सकता हूँ कि मतलब खासकर उन्हीं के लिए, स्टूडेंटों के लिए बनाई है, जिसमें क्या होगा आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर या फिर क्रोम पर पेपर, सॉरी आप एमजेपी एलोखंड यूनिवर्सिटी, जैसे कि MJPRU.website जब सर्च करेंगे वेबसाइट इस तरीके से, तो आपको हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और आप आसानी से, और उसके नीचे एक पॉपअप बन के आएगा कि इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो आप इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन को, तो आपको वेबसाइट पर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार में ही आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा 2-4, तो आप उसको घबराइए मत। तो बाकी किस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ये सारी चीजें सिखा दूंगा। पहले आप हमारी जो तीनों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिए हैं, आप कोशिश करिए इनसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर डाउनलोड कर लें, तीनों एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी एमजेपी एलोखंड यूनिवर्सिटी बरेली की है, जो एमजेपीआर के स्टूडेंट है वही आप वही इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, और ये ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, बस ये तीनों एप्लीकेशन लगभग में 1.5 MB की है, ज्यादा नहीं है, 1.5 MB, और इससे ज्यादा क्या लोगे बताओ, इससे कम क्या ले सकते हो, 1.5 MB कोई ज्यादा थोड़ी होता है, आप बड़े आसानी से अपने फोन में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो पिरोल और पेरिमिडीन बनाने की विधि आपको याद करनी है, उनके गुणों के बारे में याद करना है। पिरोल और पेरिमिडीन इनमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा, उसके बाद में कार्बन लिथियम यौगिक, ये मैंने ऊपर भी बता रखा था, और कार्बन धात्विक यौगिक मैंने ये ऊपर भी बता रखा था फर्स्ट पेपर में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में यदि आपने याद कर लिया है तो सेकंड में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सेम ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने फर्स्ट में याद नहीं किया तो सेकंड में जरूर याद करना है। बहुलीकरण क्या होता है, बहुलीकरण 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के बहुलीकरण को याद कर लेना, ये क्वेश्चन शॉर्ट पे बनता है। उसके बाद में नीचे पहुंच जाओ, देखिए ये है ग्लूकोज की रिंग संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लॉन्ग में बनेगा। सुक्रोज के गुण और इनके बारे में देखना, ये भी आपका शॉर्ट में लॉन्ग में बनेगा। नायलॉन 6x6 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेफ्लॉन है, ठीक है, ये दोनों आपको याद करना है, शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को बनेंगे। तो लॉन्ग और शॉर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, बस आपके गैस पेपर नोट्स में यदि लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़ो, शॉर्ट में है शॉर्ट पढ़ो, वरना हमारा फ्री नोट्स जो हमने दे रखा है आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एप्लीकेशन का, उसको इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है
तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिए या फिर मुझे मैसेज कर दीजिए, 7037327878 और 38। मैं आप जब मुझे मैसेज करेंगे कॉल करेंगे तो मैं आपको संपर्क करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ आपको देख रहे हो नीचे मेरी वेबसाइट चलती होंगी, वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो डिस्प्ले पर आपको शो हो रही है। उसके बाद ना सल्फागु एडिनिन बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीनो अम्ल बनाने की विधि बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सल्फो ठीक है, और फेनोफेथिलीन जो आता है फेनोफेथिलीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बनाने की गुण आपको देखना है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनेंगे। साथ ही साथ एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है आप याद करेंगे, डीएनए आरएनए याद करेंगे, आरएनए की संरचना याद करेंगे, विषम चक्री यौगिक क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चनों को आपको याद करना है। ठीक है चलो हम नीचे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद में है अभ्रक्त स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभ्रक्त स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है तो आपकी ये हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे और ये शॉर्ट में बनेगा। अभ्रक्त स्पेक्ट्रम दो टाइप के, एक पूछेगा आपको देखो अर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोहाइड के बारे में आपको अंतर पूछेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा एक एसिटोफिनॉल और पी पैरा पी मेथिल एसिटोफिनॉल, ये आपसे पूछेगा इनके बारे में बनाने की विधि और इन दोनों में क्या अंतर है, इस तरीके से पूछेगा तो आप दोनों याद करके जाएंगे। सल्फोनाइड क्या है, इसको बनाने की विधि, सल्फोनल बनाने की विधि, इन दोनों को याद करेंगे। ठीक है अमीनो अम्ल के बारे में देखेंगे, अमीनो अम्ल बनाने की विधि क्या है, आरएनए की संरचना ऊपर दे रखी है तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है और यहाँ देखें, यहाँ है न्यूक्लिक अम्ल के घटक क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल के घटक भी आपको याद करने हैं। ठीक है प्रोटीन की संरचना की बात करूँ तो आपको ये क्वेश्चन देखना है, प्रोटीन की संरचना क्या होती है। ठीक है उसके बाद में नीचे जाना, डीएनए आरएनए में अंतर ऊपर बता देखा है, रंजक क्या होते हैं, ठीक है रंजक क्या है और टेफ्लिन बनाने की विधि, ये आप दोनों देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि फिनॉल फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या होते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पास 100% हो जाओगे इन क्वेश्चनों को याद कर लिया, तो नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं है भाई। और लास्ट में इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनते हैं, चारों एक साथ पूछता है। ठीक है साबुनीकरण क्या होता है, तेल का अम्लमान क्या होता है, आयोडीनकरण और ये वाला, ये तीनों चारों एक साथ लॉन्ग में पूछता है तो आप इसको याद कर लें। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि क्या करना है कैसे करना है। बाकी जो इनके नोट्स हैं फ्री में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट का मैंने एप्लीकेशन अलग बना रखा है, बस बटन दबाओ सीधे प्लेलिस्ट पे पहुंचो, मतलब ही नहीं है ज्यादा कुछ घूमने की फिरने की सोचने की समझने की कि किधर ढूंढू कैसे ढूंढू। ठीक है तो घबराना नहीं है, ये दो तीन एप्लीकेशन जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, इन तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फोन में जरूर रखना क्योंकि ये आपके लिए समझ लो आपको जो जॉब आती है नई वैकेंसी जो आ रही है उन सभी सरकारी नौकरी कौन सी निकल रही है, आधार कार्ड डाउनलोड करें, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, सब कुछ मैंने बटन सिंपल दे रखे हैं, बस बटन दबाना है और वो चीज आपके पास मिल जाएगी, बस खत्म सब काम खत्म, मतलब कि टेंशन ही नहीं लेना ज्यादा कुछ इधर से उधर सोचना ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बता देना। थैंक यू।